ये क्वेश्चन गेट 2006 में पुट हुआ है। दो टेबल्स हमें गिवन है, एनरोल्ड और पेड। एनरोल्ड में स्टूडेंट और कोर्स है, दोनों मिला के प्राइमरी की बना रहे हैं, और पेड के अंदर खाली स्टूडेंट इज द प्राइमरी की। और बता रखा है साथ में नो नल वैल्यूज, कोई नल वैल्यू नहीं होगी, और साथ में कोई फॉरेन की कंसेंट नहीं है। मतलब ये प्रॉपरली बता रखा है आपको कि इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट का मतलब ये फॉरेन की नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे स्टूडेंट फॉरेन की, मतलब कहीं कोई फॉरेन की वाला कंसेप्ट बीच में नहीं डाल रखा, ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग हियर। और फिर कुछ क्वेरीज गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी इक्विवेलेंट है आपस में। तो मैंने आपको बताया था जब भी इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट आएगा, दो मिनट लेके थोड़ा सा डेटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिना डेटा के करोगे तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और डेटा भी बहुत ध्यान से लेना है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करी थी। यहाँ पे मैं एक बार और उनको रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट और कोर्स दोनों मिला के प्राइमरी की है ना, तो जब भी डेटा लेंगे तो स्टूडेंट को रिपीट जरूर करना और कोर्स को भी रिपीट जरूर करना, बट दोनों मिला के प्राइमरी के, तो दोनों को पूरा एज ए होल रिपीट हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पे स्टूडेंट प्राइमरी के, तो उसको तो हमें यूनिक लेना ही पड़ेगा, और फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो स्टूडेंट ऐसे जरूर लेना जो यहाँ ना हो, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर लेना जो यहाँ पे ना हो। अब देखो जैसे मैंने कैसे डेटा लिया, एनरोल्ड के अंदर देखो मैंने स्टूडेंट को रिपीट किया है, कोर्स को भी मैंने रिपीट किया है, C10 ने दो बार लिखा है, बट पूरा एज ए होल कहीं पे भी रिपीट नहीं किया। दूसरी बात, पेड के अंदर मैं स्टूडेंट को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइमरी की था, और कहीं पे देखो मैंने कोई नल वैल्यू नहीं डाली है। और दूसरी बात, फॉरेन की का कंसेंट नहीं है, तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट लिया है जो यहाँ नहीं है, जैसे S102 प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, सिमिलरली 103 104 आर प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, और कुछ कॉमन भी लेना था तो मैंने कॉमन ले लिया, S101 इज कॉमन, ठीक। हर एंगल से आपको डेटा लेके चलना है। अब देखिए, अब बहुत आसान क्या है, अब आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड वेयर स्टूडेंट इन, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड। मैंने आपको जब इन ऑपरेटर बताया था तो बताया था डुप्लीकेसी रहती है, ये डुप्लीकेसी रिटेन करता है और टपल बाय टपल चलता है, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेसी रिटेन करेगा क्योंकि हम टपल बाय टपल चलते हैं, पहले टपल पिक करके उसको देख रहे हैं। तो देखो एनरोल्ड में से हमने पहला टपल पिक किया और जाके ढूंढ रहे हैं कि यहाँ का स्टूडेंट यहाँ किसे से मैच होता है, हो रहा है, तो S101 बाहर आ जाएगा। दूसरा टपल पकड़ा, अगेन S101 बाहर आ जाएगा। दैट मींस इस क्वेरी का आंसर में S101 और S101 दो बार ही S101 आ जाएगा, ठीक है, और S102 फिर आ नहीं पाएगा। अच्छा, अब दूसरे में आओ, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड वेयर स्टूडेंट इन, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल, तो पेड से पकड़ना, तो पहला स्टूडेंट पकड़ा पेड से, देखा यहाँ कहीं मैच हो रहा है S101, यस हो रहा है, तो S101 मेरा आउटपुट में आ गया। S103 पिक किया, क्या यही कहीं से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। 104, क्या इनमें से किसी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, सो दैट मींस S101 ही आया। तो देख लो कितना आसान हो गया, सीधा बोलेंगे 192 आर नॉट इक्विवेलेंट, नहीं तो हमें पहले सोचना पड़ता है एग्जाम डुप्लीकेसी हो या ना हो या कैसे करें क्या ना करें, हमें लगेगा ठीक है सेम ही तो आएगा क्योंकि पहले स्टूडेंट से पिक कर रहे हैं और पेड से मैच करवा रहे हैं, या फिर हम लोग हम लोग एनरोल से पिक कर रहे हैं और पेड से मैच करवा रहे हैं, यहाँ पे पहले पेड से पिक कर रहे हैं फिर एनरोल से मैच करवा रहे हैं, लगेगा कि लगभग सेम ही आंसर आ रहा है, कहीं से किसी से पिक कर लो, बट ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे डुप्लीकेसी के कारण आंसर यहाँ पे दो बार ही आ रहा है और यहाँ पे एक बार ही आ रहा है, सो हेंस दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, सिलेक्ट ई डॉट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड ई पेड पी, वेयर ई डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पी डॉट स्टूडेंट। अब खास बात देखो, यहाँ से हम पिक किसको कर रहे हैं, ई डॉट स्टूडेंट मतलब लेफ्ट वाली साइड पे, मतलब एनरोल्ड और पेड को आप ज्वाइन करवा रहे हैं और लेफ्ट वाली टेबल में से आप स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं। तो देखो इनका आपस में ज्वाइन करवाया और लेफ्ट वाली साइड से जब मैं पिक करूंगा तो पहला टपल पकड़ूंगा ना, ज्वाइन करवाने के लिए मैच करवाएंगे, क्या यहाँ का स्टूडेंट मैच हो रहा है, यस, तो पहला टपल ये पूरा आ जाएगा, फिर सेकेंड वन इसके कारण आ जाएगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं। देखिए 1 2 ये, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला टपल ये होगा, दूसरा टपल ये होगा, ठीक है, we will have two tuples here, और इन दोनों tuples में कौन क्या बाहर निकाल रहा है, e dot student, मतलब ये चीज, S101 will be two times, S101, बाकी को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कहीं पे भी और मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट मैच हो रहा होता तो मैं बाहर लाता। तो खैर आपको देखकर समझ आ रहा होगा 1 and 3 आर इक्विवेलेंट, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हम यहां से पहले एनरोल में से स्टूडेंट को पिक कर रहे थे ना, और यहां से भी तो इनडायरेक्टली मैंने एनरोल में से ही तो पिक किया है, तो ऑब्वियसली आंसर सेम आना था, ठीक। थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते थे कि हम यहां से पहला टपल पिक करते हैं, जैसे इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला टपल पिक करते हैं और देखते हैं क्या स्टूडेंट कहीं मैच हो रहा है, हो रहा होगा तो यहां से मैं बाहर ला रहा हूं, फिर दूसरा टपल पिक करके मैच करवा के बाहर ला रहा हूं, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी मैं एकदम सेम काम कर रहा हूं, पहला टपल को पकड़ के
पूरी टेबल में से जाकर ढूंढता हूँ कहीं मैच हो रहा है, मैच हो रहा होगा तो बाहर निकाल दूंगा, दूसरे को पिक करके कहीं मैच हो रहा है भाग के बाहर निकाल लूंगा, एंड सॉन्ग यहां से बाहर निकाल रहे हैं ना, और इसमें भी हम यहीं से बाहर निकाल रहे थे ना, सो ऑब्वियसली 1 and 3 आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड वेयर एग्जिस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोल्ड वेयर, एनरोल्ड डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पेड डॉट स्टूडेंट। एग्जिस्ट आ गया ना तो ढूंढो कहीं ना कहीं नेस्टिंग होनी चाहिए। देखो एनरोल्ड डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पेड डॉट स्टूडेंट, ये एनरोल्ड वाला स्टूडेंट हो गया और पेड यहां से आ रहा है, दैट मींस नेस्टिंग हो रखी है। तो अब आप सिंपल बात करो, स्टूडेंट फ्रॉम पेड, हम पेड से पहला स्टूडेंट पिक कर रहे हैं, ब्लाइंड मैंने पिक कर लिया, और क्या कह रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोल्ड वेयर, एनरोल्ड डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पेड डॉट स्टूडेंट। एनरोल्ड डॉट स्टूडेंट मतलब यहां जैसे पहला टपल आपने पिक किया तो पहला टपल S101 निकला, तो यहां लिख देता हूं पेड डॉट स्टूडेंट है ना, तो पेड डॉट स्टूडेंट विल बी S101। तो बस अब नीचे वाली पेज पे ध्यान रखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोल्ड वेयर एनरोल्ड डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू S101, ढूंढो एनरोल्ड में कहीं S101 है, यस है। That exist क्या करता था, exist will return true when subquery is non-empty, empty नहीं होने चाहिए। तो अब देखो enrolled student is equal to S101 करते ही दो टपल बाहर आ रहे हैं, अगर दो टपल बाहर आ रहे हैं तो subquery का result non-empty है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट को उठा के बाहर ले आऊंगा, कौन से स्टूडेंट को उठा के बाहर ले आऊंगा, S101 को। नेक्स्ट नेक्स्ट पेड से मैंने कौन सा उठाया होगा, S103, तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे S103, और क्या बोलेंगे select star from enrolled where enrolled student is equal to S103। एनरोल में ढूंढना कहीं S103 है, नहीं है तो इसका मतलब बाहर नहीं आएगा, फिर S104 को पिक करूंगा वो भी बाहर नहीं आएगा, एंड सॉन्ग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे S101 आ रहा है और वो भी सिर्फ एक बार ही आ रहा है, क्यों एक बार ही आ रहा है, क्योंकि मैं पेड से पिक कर रहा हूँ ना कि एनरोल से, तो वही चीज यहाँ पे मैं पेड से पिक कर रहा था और यहां से भी मैं पेड से पिक कर रहा हूं, तो 2 and 4 आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। ठीक, तो 1 and 3 आर इक्विवेलेंट, 2 and 4 आर इक्विवेलेंट। ऑप्शंस इसमें बहुत सारे थे, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, 2 and 4 आर इक्विवेलेंट एंड देयर एग्जिस्ट सम डेटाबेसेस इन विच 1 and 2 आर नॉट इक्विवेलेंट, 3 and 4 आर नॉट इक्विवेलेंट। इस टाइप से कुछ ऑप्शंस थे, मैं वो सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, ओके।